हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो जैसा कि आपको पता है, एग्जाम काफ़ी पास आ चुके हैं, तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो देखिए, इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम जून 2019 के अंदर जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उसको एनालाइज करने वाले हैं। बट यहाँ पे बेसिकली एक मेजर चेंज ये होगा कि यहाँ पे बेसिकली हम कंप्लीट पेपर को एक साथ एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि हर एक स्पेसिफिक यूनिट को अलग अलग एनालाइज करेंगे। ओके, सो आज जो हम टॉपिक एनालाइज करने वाले हैं, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे लीगल एस्पेक्ट से, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, और आप बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन आपसे क्या कह रहा है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द बैलेंस इन द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं और किस चीज के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, मान लीजिए आप शेयर इशू कर रहे हैं, उस पर आप कोई भी प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। ओके, सो जो भी प्रीमियम कलेक्ट होता है आप उसको एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं, और उसको क्या नाम दिया जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब बेसिकली वो जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का जो आपका बैलेंस है, आप उसको किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन गिवन है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सो देखिए, जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होता है आप उसको डिविडेंड पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। आप डिविडेंड पेमेंट के लिए या तो आप प्रेजेंट प्रॉफिट या पास्ट प्रॉफिट ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो होगा आपका ऑप्शन नंबर वन रॉन्ग। ओके, आगे का ऑप्शन देख लेते हैं, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। सो देखिए, आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है बाय इश्यू ऑफ शेयर, ओके, सो मान लीजिए आपने कभी और शेयर को इश्यू किया डिस्काउंट पे। ओके, सो आपने जो प्रीमियम कलेक्ट किया है आप उस डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका सेकंड ऑप्शन होगा यस, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इश्यू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर्स। तो यस, आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को बोनस शेयर इश्यू करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इशू किया जाता है। ओके, तो इसके लिए भी यूटिलाइज हो सकता है आपका बैलेंस। कैपिटल लॉसेस, सो आपका जो कैपिटल लॉस हुआ है कोई भी, अगर आप उसको राइट ऑफ करना चाहते हैं तो उसको राइट ऑफ करने के लिए भी आप अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के बैलेंस को यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए भी यूज हो सकता है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि बेसिकली कौन सी चीजों के लिए नहीं यूज कर सकते। ओके, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिविडेंड पेमेंट के लिए। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर वन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस किस लिए यूज हो सकता है, किस लिए यूज नहीं हो सकता। तो आप इसको दो कैटेगरी में रख सकते हैं, या तो आप इसको कंपनी लॉ के अंदर रखिए या अकाउंटिंग के अंदर रखिए। ओके, तो आपका दोनों के अंदर ये कंसिडर हो सकता है। ओके, सो आपका मेन फोकस यहाँ पे बेसिकली कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए कि आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस किस लिए यूज हो सकता है। ओके, सो काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम इजी कैटेगरी में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपको दो लिस्ट गिवन है और आपको लिस्ट वन को मैच करना है लिस्ट टू के साथ। ओके, तो चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले आपका साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम बेसिकली होता क्या है, देखिए कोई भी ऐसा क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुआ है, ओके, तो वो बेसिकली साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कहां मैच करेगा, देखिए कोई भी साइबर क्राइम होता है बेसिकली उससे रिलेटेड आपके जो कोई भी प्रोविजंस है वो कहां पे गिवन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर। ओके, तो साइबर क्राइम आपका कहां पे मैच करेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के साथ, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। सेकंड आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर। अब ये बेसिकली डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर क्या है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब ये होता है कि लेट द बायर बीवेयर। इसका क्या मतलब है कि कोई भी बायर आपसे कोई भी गुड परचेस कर रहा है तो उसको आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उस गुड की। ओके, तो बेसिकली यहां पे ये किससे रिलेट कर रहा है, सेल और परचेस से। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहां पे गिवन होंगे, इससे रिलेटेड आपके प्रोविजंस गिवन है सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930s के अंदर। ओके, तो ये कहां पे आएगा, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ मैच करेगा। चलिए अगला देखते हैं, डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये बेसिकली डिसऑनर ऑफ बिल क्या है, देखिए आपको कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव हुआ और मान लीजिए आपने उसको क्लियरेंस के लिए लगाया और वो डिसऑनर हो गया। ओके, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहां पे गिवन है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। ओके, तो ये आपका कहां मैच करेगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, अब ये बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया कब था, 1881 के अंदर। ओके, चलिए अगला देखते हैं, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स।
अब ये पेटेंट एंड कॉपीराइट्स क्या होते हैं, देखिए आपको पता होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में। तो देखिए पेटेंट क्या होता है, आपने कोई भी इनोवेशन करा है, कोई भी नई चीज डेवलप करी है, तो उसका आप पेटेंट रजिस्टर करा सकते हैं, सो दैट उस पे आपकी ओनरशिप रहे। ओके, अब देखिए पेटेंट एक्ट आपका आया था 1970s के अंदर, ओके, और कॉपीराइट एक्ट आपका कब आया था, 1957 के अंदर, ओके। अब ये है कहां मैच, कहां पे करेंगे, ये सिंपल है, फर्स्ट के साथ ही मैच करेंगे। ओके, तो इसके बेसिस पे आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए यहां आपसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेसिकली इनमें से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन सी चीज काउंट नहीं होती है। तो देखिए आपके पास ऑप्शन क्या किए गए हैं, मैंने चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, प्रॉमिसरी नोट एंड म्यूचुअल फंड्स। सो देखिए अगर हम बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की, ओके, तो इसके लिए एक अलग एक्ट बना हुआ है और उस एक्ट का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इसके अंदर केवल 3 चीजों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, ओके, और उसके अंदर क्या क्या चीजें काउंट की गई हैं, सबसे पहले आपका चेक, प्रॉमिसरी नोट एंड थर्ड आपका क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका ये जो चेक है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। डिमांड ड्राफ्ट, सो देखिए डिमांड ड्राफ्ट के बारे में तो यहां पे मेंशन नहीं किया गया है। प्रॉमिसरी नोट तो ये मेंशन किया गया है, तो ये भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होगा। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड यहां पे मेंशन नहीं किया गया है। नाउ तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि डिमांड ड्राफ्ट और म्यूचुअल फंड के अंदर से कौन सा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। सो देखिए अगर हम बात करें डिमांड ड्राफ्ट की तो ये बिल्कुल चेक के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है डिमांड ड्राफ्ट और चेक के अंदर कि जो डिमांड ड्राफ्ट होता है उसमें पेमेंट से पहले ही आपके अकाउंट से पैसे को डिडक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद आप वो डिमांड ड्राफ्ट किसी को पे कर सकते हैं, ओके। बट चेक के अंदर क्या होता है, चेक जब क्लियरेंस के लिए जाता है उस समय आपके अकाउंट से अमाउंट जो होता है वो डिडक्ट होता है, ओके। तो एक तरीके से ये जो डिमांड ड्राफ्ट है ये बिल्कुल चेक के जैसा ही होता है, ओके, बट यहाँ पे बेसिकली जो आपके अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट होता है उसके टाइमिंग में डिफरेंस है, ओके। तो इसको अगर हम देखें तो ये चेक की डेफिनेशन के विधि ही आएगा, ओके, बट आपका म्यूचुअल फंड किसी भी तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं आता है, ओके। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज म्यूचुअल फंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो आपका करेक्ट आंसर है 4th ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। सो बेसिकली यहां से क्या पूछा गया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन गिवन है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं, कौन सी चीजें इंक्लूड नहीं की गई हैं, ओके। सो देखिए लॉग बुक, लॉग बुक क्या आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन के डेफिनेशन में आता है, यस yes. जो लॉग बुक होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जानी है उसकी डेफिनेशन के विदिन आता है, ओके। सेकंड आपका डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सो कोई भी ऐसा डेटा है कंपनी का जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखा गया है तो क्या वो इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर आता है, यस yes, वो भी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के विदिन ही आता है, ओके। थर्ड आपका फाइल नोटिंग, अब ये बेसिकली फाइल नोटिंग क्या है, देखिए फाइल नोटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपनी में आपको पता होगा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, ओके, और वहां पे कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कैसे फाइल्स ट्रांसफर हो रही हैं, कैसे रिकॉर्ड ट्रांसफर होते हैं, ओके, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, ओके, तो उस ट्रांसफर ऑफ फाइल्स इंफॉर्मेशन डेटा को बेसिकली फाइल नोटिंग कहा जाता है, ओके। तो क्या ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर आता है, नो, ये बेसिकली कंपनी का इंटरनल डेटा होता है और इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर ऐड नहीं किया गया है, ओके। तो आपका फाइल नोटिंग आपका यहां पे इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के विद इन नहीं है, ओके। फोर्थ आपका सर्कुलर, तो देखिए सर्कुलर क्या होता है, बेसिकली कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन इश्यू कर रही है पब्लिक में तो उसके लिए एक सर्कुलर रिलीज किया जाता है, ओके, तो ये भी आपके राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के विदिन ही आता है, ओके। तो अभी तक हम देखें तो आपका जो फाइल नोटिंग है ये इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अंदर नहीं है, तो आपका यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का मतलब आपसे पूछा गया है, ओके। सो अभी हमने डिस्कस किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर का क्या मतलब है, लेट द बायर बीवेयर, तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर कोई भी बायर आपसे गुड्स परचेस कर रहा है तो उसको आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है रिलेटेड टू दैट गुड,
ओके तो यहाँ पे बेसिकली बायर का राइट है कि वो जो भी गुड्स परचेस कर रहा है उसके बारे में उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या गिवन आपके पास. बायर शुड मेक पेमेंट वेल इन टाइम. तो देखिए यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन की बात की गई है, पेमेंट की बात नहीं की गई है. ओके तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो है बिल्कुल इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, बायर शुड बी बिवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग. तो यस, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है. यहाँ पे क्या बोला गया है, बायर को बिवेयर होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट ऑफ बाइंग, दैट इज वो जो भी गुड परचेस कर रहा है उसके बारे में उसे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. ओके तो यस, ये आपका करेक्ट आंसर होगा. चलिए आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं. बायर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पेमेंट. सो देखिए अभी मैंने बोला कि आपको यहाँ पे पेमेंट की कोई बात नहीं की गई है. ओके तो यहाँ पे आपका ये भी आंसर नहीं होगा. फोर्थ, बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल एट एनी कॉस्ट. तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी यहाँ पे बात नहीं की गई है, बायर के यहाँ पे राइट्स की बात की गई है. ओके तो ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या निकल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं. सो आपको ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जैसे कि पास्ट ईयर में पूछे गए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है आपसे. अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन देयर मैनिफेस्टेशन. तो यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशंस गिवन है और आपको उनको ऑर्डर में प्लेस करना है. ओके तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले आपके पास ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लास्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट. सो देखिए ये बेसिकली आपसे पूछा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से. सो देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, तो उनके अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक ऑर्डर होता है. और वो ऑर्डर क्या है, देखिए सबसे पहले एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करती है, ऑफर देती है. ओके सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड पार्टी जो होती है अगर उसको ऑफर सही लगता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेती है. ओके और अगर नहीं अच्छा लगता तो उसको रिजेक्ट कर देती है. तो यहाँ पे बेसिकली आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑफर. सेकेंड क्या होगा, एक्सेप्टेंस. थर्ड, अगर मान लीजिए सेकेंड पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ओके तो यहाँ बेसिकली दोनों पर्सन ओके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं अगर वो एग्रीमेंट जो भी है वो लीगली इन्फोर्सिबल है तो. ओके तो यहाँ पे बेसिकली वो थर्ड होगा आपका स्टेप, कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री. ओके और मान लीजिए कोई एक पार्टी अपने पार्ट को फुलफिल नहीं कर पाती है तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेप क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ब्रीच भी हो. ओके कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल भी हो सकते हैं अगर वो पॉसिबल है उसको परफॉर्म कर पाना तो. ओके तो आपका यहाँ पे बेसिकली करेक्ट सीक्वेंस क्या है, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके तो आप इसके बेसिस पे अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज इज कीप्ड आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी. तो इनमें से कौन सी कमोडिटी को जीएसटी के बाहर रखा गया है. सो देखिए आपको पता होगा लीगल एस्पेक्ट्स में जो आपका लास्ट टॉपिक है दैट इज जीएसटी. तो देखिए जीएसटी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, जीएसटी के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई हैं और कौन कौन सी चीजें जीएसटी से एग्जम्प्ट हैं. ओके तो देखिए टोबैको प्रोडक्ट, टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाया जाता है, जो हाईएस्ट जीएसटी का रेट होता है वही रेट लगाया जाता है टोबैको प्रोडक्ट पे. ओके तो जीएसटी का हाईएस्ट रेट क्या है, 28%. अब देखिए 28% के साथ साथ इस पे बहुत सारे एडिशनल सेस भी लगाए जाते हैं जिसके थ्रू जो टोबैको के प्राइजेस होते हैं उनको काफी ज्यादा हाई कर दिया जाता है सो दैट यहाँ पे लोगों को डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, सो दैट यहाँ पे बेसिकली जो लोग हैं वो टोबैको प्रोडक्ट्स का कम कंजम्पशन करें. ओके तो यहाँ बेसिकली टोबैको प्रोडक्ट पे जीएसटी कितना है, 28%+ सेस. अगला है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट. सो देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखा गया है, ऐसा क्यों है, देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं और जीएसटी के अंदर बेसिकली एक लिमिट है कि आप 28% से ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते हैं. ओके बट मान लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर जीएसटी लगा दिया जाता है तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, 28% जीएसटी लगा पाएगी और उसके बाद एडिशनल सेस लगाया जा सकता है. ओके बट यहाँ पे बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे एग्जिस्टिंग बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं, सो अगर उसको जीएसटी में लाया जाएगा तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे जो गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो कम हो जाएगा. ओके तो इसकी वजह से बेसिकली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया गया है. ओके नाउ एक और चीज है जो जीएसटी के बाहर है, वो क्या है, अल्कोहल. तो अल्कोहल को भी जीएसटी के बाहर रखा गया है. अब मान लीजिए आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जा रहे हैं
वहां पे आपने फूड का कंजम्पशन किया और उसके साथ साथ अल्कोहल का कंजम्पशन किया, ओके, तो आपके पास जो बिल आएगा वो सेपरेट आएगा, अल्कोहल पे आपके लिए जीएसटी नहीं चार्ज किया जाएगा, उस पर अलग से वैट चार्ज किया जाता है, ओके, और आपका जो फूड का बिल होगा उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा, ओके, तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या अल्कोहलिक प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी अभी नहीं लगाया गया है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट को उस पर पहले से ही बहुत ज्यादा एडिशनल वैट का रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, तो अगर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसीलिए बेसिकली गवर्नमेंट इस पर जीएसटी नहीं लगा रही है, ओके, नाउ तो ये आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, ओके, चलिए आगे एक ऑप्शन देख रहे हैं, एडिबल ऑयल्स, तो एडिबल ऑयल्स पे कितना टैक्स है, देखिए एडिबल ऑयल पे जीएसटी लगाया जाता है एट द रेट ऑफ 5%, ओके, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो देखिए इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी जीएसटी के अंदर ही आते हैं, ओके, बट इस पे जो जीएसटी का रेट है वो वेरी करता है, ओके, आप किस टाइप का इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका जीएसटी का रेट है इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे वो वेरी करता है, ओके, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि आपका जीएसटी का रेट कितना होगा इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे, ओके, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो यहां आपसे क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द राइट्स ऑफ स्टैचुरी ऑडिटर, तो यहां आपसे क्या बोला गया, स्टैचुरी ऑडिटर के आपको राइट्स बताने हैं, ओके, चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे, टू रिसीव रेमुनरेशन, तो अगर कोई भी स्टैचुरी ऑडिटर है तो उसका राइट तो होगा ही कि वो रेमुनरेशन को रिसीव करे, ओके, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही होगा, सेकेंड देखते हैं टू अटेंड बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स मीटिंग, तो देखिए काफी सिंपल सा ऑप्शन दिया गया आपसे, एनटीए ने काफी सिंपल ऑप्शन दिया है कि बेसिकली आपका यहाँ पे जो स्टैचुरी ऑडिटर है वो डॉक्टर्स मीटिंग थोड़ी अटेंड करेगा, ओके, तो ये आपका ऑप्शन तो नहीं होगा, चलिए आगे देखते हैं टू अटेंड जनरल मीटिंग, तो देखिए स्टैचुरी ऑडिटर जो होता है वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, उसके पास राइट है वो जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है, तो ये भी आपका स्टैचुरी ऑडिटर का राइट है, टू विजिट ब्रांच ऑफिस, सो मान लीजिए किसी भी स्टैचुरी ऑडिटर को वाउचर्स का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कि जो भी एंट्री हुई है क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, ओके, तो इसके लिए वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, ब्रांच ऑफिस विजिट कर सकता है, तो ये भी उसका राइट है, तो उसका राइट क्या नहीं है, डॉक्टर्स मीटिंग अटेंड करना, ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपका आंसर क्या है, ए सी एंड डी, तो ए सी डी कहाँ आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 के अंदर, तो आपका करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, ऑप्शन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं एक बार, यहां आपसे क्या पूछा गया, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, तो यहां आपसे क्या बोला गया है कि कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन हमेशा वैलिड होता है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन वैलिड कैसे हो सकता है, आप मान लीजिए किसी भी पर्सन से कोई भी गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसके बदले आप उसे कुछ मनी देंगे, ओके, आप मनी भी दे सकते हैं या फिर उसके बदले कुछ और कमोडिटी भी उसे दे सकते हैं, ओके, सो मान लीजिए आप कंसीडरेशन दे ही नहीं रहे हैं तो यहाँ बेसिकली एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा उसको, ओके, आपने एक लाइन भी सुनी होगी, क्विड प्रो क्वो, इसका क्या मतलब है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज रिसीव हुई है इसके बदले आपने कंसीडरेशन में कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे बेसिकली ये माना जाएगा कि यहाँ पे आपके बीच में कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, ओके, तो क्या ये हमेशा वैलिड है, नो, यहाँ पे बेसिकली इसके कुछ सर्टेन एग्जम्पशंस हैं जिसके अंदर आप कोई भी कंसीडरेशन नहीं भी दे रहे हैं तब भी एग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा, कब, अगर मान लीजिए कोई भी नेचुरल लव एंड अफेक्शन के केस में आप कोई भी कमोडिटी किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके, तो इस केस में बेसिकली यहाँ पे तो इस केस में बेसिकली एग्जम्पशन होगा ये नो कंसीडरेशन नो कॉन्टैक्ट का, ओके, बट यहाँ पे क्या वो हमेशा वैलिड होते हैं, नो, यहाँ पे बेसिकली बिना कंसीडरेशन कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं माना जाएगा या कोई भी एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा, तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट होते हैं और सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, देखिए एग्रीमेंट जो होता है बेसिकली अगर उसके अंदर आप लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड कर देंगे तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ओके, तो यहाँ बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट होते हैं, एग्रीमेंट एंड लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, बट मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट है और उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबल नहीं है वो, ओके, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ओके, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो एग्रीमेंट तो होते हैं बट सारे के सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, वो कब नहीं होंगे, अगर वो लीगली इन्फोर्सिबल नहीं है, ओके, तो आपका स्टेटमेंट जो 2 है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10,
रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एनवर्साइजेस। तो यहां आपसे क्या पूछा गया है कि बेसिकली सेक्शन 9 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात की जा रही है। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर सेक्शन 9 के अंदर क्या बोला गया है कि जो रेड्रेसल मैकेनिज्म होगा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का, वो कितने टीयर का सिस्टम है? क्या वो सिंगल टीयर सिस्टम है, टू टीयर सिस्टम है, थ्री टीयर सिस्टम है, या ओपन सिस्टम है इंडिपेंडेंट ऑफ हायरार्की? ओके, सो देखिए, अगर हम बात करें कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म की, तो ये बेसिकली थ्री टीयर सिस्टम है। अब ये थ्री टीयर सिस्टम का क्या मतलब है, देखिए, मान लीजिए कंज्यूमर को कोई भी लॉस होता है, अगर उसने कोई भी गुड्स परचेस करी है, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट्स निकलते हैं, ओके, तो उसको जो लॉस हुआ है उस लॉस का कितना अमाउंट है, इसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि वो कौन से फॉरम में अपनी कंप्लेंट डाल सकता है। ओके, तो यहां बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर तीन फॉरम्स बनाए गए हैं। ओके, तीन लेवल्स के फॉरम्स हैं। सबसे पहला आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम, सेकंड आपका स्टेट फॉरम, ओके, स्टेट लेवल फॉरम भी बोल सकते हैं, और थर्ड आपका नेशनल लेवल। ओके, अब यहां पे बेसिकली ये डिसाइड कैसे होगा कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, स्टेट लेवल में करेंगे, या नेशनल लेवल में करेंगे? तो ये बेसिकली डिसाइड होता है कि आपका लॉस कितना हुआ है किसी भी गुड से। ओके, सो मान लीजिए आपका लॉस का जो अमाउंट है वो 20 लाख रुपीज से कम का है। ओके, तो इस केस में आप डिस्ट्रिक्ट फॉरम में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका जो लॉस है वो 20 लाख से ज्यादा का है, बट वो 1 करोड़ रुपीज से कम का है। ओके, तो इस केस में आप स्टेट लेवल फॉरम में अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं। ओके, तो यहां बेसिकली ये 20 लाख रुपीज से कम का होगा, यहां 20 लाख से 1 करोड़ के रुपीज, 1 करोड़ रुपीज तक का होगा, और यहां बेसिकली नेशनल लेवल में आप तब जा सकते हैं जब आपका लॉस जो है वो 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा का है। ओके, नाउ अब ये जो प्रोविजंस गिवन है ये बेसिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर गिवन है, बट आपको पता होगा कि यहाँ पे अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को पास किया गया है और 1986 के एक्ट को रिपील कर दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे नए प्रोविजंस को भी याद रखना है। अभी नए प्रोविजंस क्या है, देखिए, यहाँ पे बेसिकली जो रिडक्शन मैकेनिज्म का टीयर सिस्टम है इनको तीन लेवल पे ही रखा गया है, बट यहाँ पे अमाउंट के अंदर चेंज कर दिया गया है। अब ये अमाउंट के अंदर जो चेंज किया गया है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस है इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे भी बेसिकली जो आपका डिस्ट्रिक्ट फॉरम है उसके अंदर आप 1 करोड़ रुपीज तक की कंप्लेन लेके जा सकते हैं। ओके, आपका लॉस है वो 1 करोड़ रुपीज तक हुआ है तो आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फॉरम में कंप्लेन करेंगे। ओके, आपका अगर लॉस 1 करोड़ रुपीज से 10 करोड़ रुपीज तक का है, ओके, तो आप यहाँ पे स्टेट लेवल में जाएंगे। ओके, और अगर मान लीजिए आपका जो लॉस का अमाउंट है वो 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा है तो आप कहां पे जाएंगे, नेशनल लेवल फॉरम में। ओके, तो यहां पे बेसिकली मेजर चेंजेस लाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। ओके, तो आप इसको भी अच्छे से याद करके जाइए बिकॉज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर हमने लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे सो दैट आप जून 2019 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाए और समझ पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है उसका। सो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर टॉपिक्स को कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।